फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सुंबुल्स चैनल। लास्ट व्लॉग के फर्स्ट ईयर्स का शाउट आउट जाता है आकांक्षा पांडे, तहसीन बुशरा, आलिमा फातिमा, अरशद खान। और हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम निकल पड़े हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। आज मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, फैजान भी है साथ में, उसको रेगुलर चेकअप करवाना है और कुछ ब्लड सैंपल्स भी देने हैं, तो इस वजह से आज साथ में वो भी जा रहा है। तो जाते हैं और आपसे वही इंशाल्लाह मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। लगती नहीं है फैजान, इसीलिए जो हम कहेंगे एकदम तोता समझो। गुड जॉब फोन आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से वापस और आज मेरी ड्यूटी पीडिया में लगी थी, इस वजह से आज मुझे शूट करने का कुछ भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया बाहर निकलने का ओपीडी से, तो इस वजह से वापस आई नहीं। और जब आने का टाइम हुआ तो फिर टाइम हो गया तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल ख़त्म होने का, सो केम बैक। मिलते हैं आपसे घर। मैं हॉस्पिटल से आने के बाद सो गई थी और ये जब मैं उस दिन अम्मी के साथ लखनऊ महोत्सव गई थी तो मैं वहाँ से कुछ सामान लेके आई थी क्यूट क्यूट से, जो तो मैं दिखाने ही भूल गई। फिर हम लोग वहाँ से अजमेर चले गए तो अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिला मुझे। जैसे ये मल्टी कलर थे, ये बहुत छोटे से, आपको मेरे हाथ से अंदाज़ा लग जाएगा ये कितने छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे से थे। ये हमने लिए दो दो, मैंने ऐसे दो दो कलर के लेके इसका एक सेट बनाया 6 कप का, इसमें और कलर्स नहीं थे तो बस 4 कलर का लिया। और ये जो है इनका मैंने एक अलग सेट बनाया डिफरेंट कलर्स के। और ये 3 हमने कांच के बाउल लिए थे, ये एक छोटू सा अचार रखने के लिए हमने लिया था, ये 3 बॉक्सेस का हमने सेट लिया था। और ये है हमारा कैंडल स्टैंड, यहाँ पे कैंडल रखने के लिए, थोड़ा सा गंदा है, डस्ट लगा हुआ है इसमें, काफ़ी दिन से रखा है। और यहाँ पे या तो यहाँ पे भी रखने के लिए जो भी आप सेंटेड कैंडल्स रख सकते हो इस पर। ये हमारे स्पून्स, ये छोटी छोटी सी ट्रे, ये मेरा और मोहित का ब्लैक सेट वाला मग, ये छोटू से हमारे सॉस पैन या चटनी वगैरह डालने के लिए। और बस यही मैंने लिया था, जो कि मैं आप लोग को काफ़ी टाइम से दिखाना चाह रही थी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था तो शूट करने का टाइम नहीं हो पा रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाते हैं। और एक चीज़ और दिखाना है मुझे आप लोगों को कि मेरा जो बर्थडे अपब्रिंगिंग चल रहा है फैजान और मोहित के एंड से, तो ये शालिनी जो मेरी फ्रेंड है उसने भी मुझे ये एक डायरी और पेन का सेट गिफ्ट किया है और ये डायरी मुझे बहुत प्यारी लगी। सबसे स्पेशल बात, इसमें कहीं भी ईयर मेंशन नहीं है तो हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 2023 या 2024 का। सो ये बहुत स्पेशल लगा मुझे और ये पेन भी मुझे बहुत प्यारा लगा। थैंक यू सो मच शालिनी फॉर दिस गिफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, सो हो गई है एक्सरसाइज हमारी, आज मैंने किया है ज़ुम्बा, इसलिए बड़ा खुश हूँ क्योंकि थोड़ा सा डांस करने के लिए मिल गया, सो आई एम वेरी 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 हैप्पी। और बस चलते हैं, गाल एकदम गर्म हो गया एक्सरसाइज कर करके। तो और फैजान वॉज लाइक कि हमें घर का खाना नहीं खाना है एज़ यूजल, बट बिलीव मी हम लोग कुछ अनहेल्दी नहीं खाएंगे। मैंने तो बोल दिया है कि अगर आप लोग खाओगे भी पराठा वगैरह तो मैं जाके कल जिम में बोल दूँगी। सो आप लोग प्लीज़ बिरयानी ही खाना क्योंकि उसमें राइस है, तो एज़ यूजुअल एज़ कम्पेयर टू मैदा वो उतना नुकसान नहीं करेगा। सो बस चलते हैं और हम लोग जा रहे हैं टुंडे, सो मिलते हैं वहीं पे आप लोगों से। लालची लोग। और लकीली हम लोगों का बिल वहाँ पे 786 का बना था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हम लोग का 786 का बिल, मतलब कोइंसिडेंस हो गया ऐसा तो नहीं। ये मोटू पतलू जाते हुए, भाई से एक्टिंग करवाओ मोटू पतलू वाली। इस व्लॉग में काफी वीडियोस फैजान के फोन से शूट की गई है मुझे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए और ये डे 3 का वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फैजान, जैसा कि आप सब जानते हैं अभी के व्लॉग में आपने को देखा ही होगा। और आज बेसिकली डे 3 था, तो हम लोग सोच रहे हैं कि डे 3, डे 2, डे 1 करके ऐसे काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और कुछ ना कुछ उसको मतलब सरप्राइज देते हैं ताकि उसको अच्छा स्पेशल फील हो। सो बेसिकली मैं और भाई बाहर आए थे तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ प्लान करते हैं आप, बल्कि मतलब बर्थडे से पहले कुछ व्लॉग्स में देख लेंगे, बाकी हो सकता है बर्थडे के बाद भी कुछ स्पेशल जो होगा वो व्लॉग्स में देखेंगे। तो भाई सरप्राइजेस, तो भाई क्या कहेंगे आप? सो जैसा फैजान ने बोला, हमने उसको बताया नहीं है और हमने प्लान किया डे 3 से डे 2 डे 1 सरप्राइज, कुछ वो पहले व्लॉग में डाल देगी इंशाल्लाह।
और कुछ सरप्राइज आप उसके बर्थडे के बाद वाले व्लॉग में देखेंगे। सो जैसे कि सिंबल बोलती है स्टे ट्यून, और ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है टू मेक हर हैप्पी, बिकॉज जैसे हम लगातार अपने व्लॉग्स में बोलते हैं वो बहुत मेहनत करती है, हॉस्पिटल जाना, घर में खाना बनाना, हर कुछ, दो दो आदमी मैं और फैजान है, दोनों का ध्यान रखना, खाना पीना एवरीथिंग। हम लोग आए हैं बस अभी अभी जस्ट जिम से, पता नहीं कहाँ जाना है। मोहित और फैजान मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आज जिम जल्दी चलेंगे, 6:30 पे ही चलेंगे, और बहुत स्पेशल है, ये है वो है, बहुत देर से पूछ रही हूँ, बट नो वन इज रेडी कि कहाँ जा रहे हैं। किसी ने नहीं बताया है जिम से आने के बाद कि जाना कहाँ है। मैंने इतनी बार पूछा दोनों से कि बता दो आखिर जा कहाँ रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया, बस बोले चेंज कर लो कहीं जाना है कहीं जाना है। सो अब मुझे भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, सो आप लोग चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि जा कहाँ रहे हैं हम लोग। सो बने रहिए साथ में। अच्छा सो यहाँ लेके आए हो कैपेचिनो ब्लास्ट? नहीं नहीं लेके आए, नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लेके आए हो मुझे बता, तो बता क्यों नहीं रहे थे कि मतलब वॉशरूम यूज़ करने हैं हम लोगों को, बीच में लगी थी तो नहीं, तो तुमने मुझे बता क्यों नहीं रहे थे ना यार आगे। सुमुल तुम्हारा क्या काम है, बंद कर लो यार, तुम जाओ ना, अरे तुम जाओ तो तुम्हारा क्या काम है, अरे चलो तो आगे आ रहे हैं हम लोग। और ये फैजान सब को कॉल करते हुए, क्या आप उनके नंबर रिवील हो जाएंगे कहीं, फजा सब अगर नंबर स्विच ऑफ होगा तो गुल्ली हो जाएंगे। नहीं स्विच ऑफ नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है? अच्छा ये बात निकल गई है, चलो जी। अच्छा डेकोरेशन, अच्छा डेकोरेशन। अस्सलाम वालेकुम। मैं देख के इतना लंबा है, इतने लंबे लोगों की नहीं है, लंबे हो फैजान तो छोटे लोगों के लिए, सब अप्पी के लिए, सब अप्पी, सब अप्पी का फेवरेट प्लेस है। ब्यूटीफुल प्लेस, नहीं अच्छी जगह, नाइस प्लेस, डेकोरेशन इज ऑसम। सी नाइस, इज नाइस एक्चुअली। नाइस प्लेस, प्लेस इज वेरी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बहुत ब्यूटीफुल है, एम्बियंस अच्छा है। और ये है सरप्राइज तुम्हारे, और ये तो योर प्री बर्थडे सेलिब्रेशन इज हियर। प्लान हमारा एग्जीक्यूट इसने किया, बेचारी ने बहुत एफर्ट लगाया, हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हाँ ये भी सही है। हाँ तो कैसा लगा? हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है तो लास्ट वर्ड, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, तो इसे मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो गया तो लास्ट इंप्रेशन की जरूरत ही नहीं है। अभी रुक जाइए, वो हम चला रहे हैं। थैंक यू। नहीं क्या कि ऐसे की ऐसे नहीं, ऐसे कर दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर से शुरू में भी वो उसकी वजह से भी थोड़ा कंसर्न। हां ये एक्चुअल में मैंने और फैजान ने कल रात में बैठ के डिस्कस किया, फिर हमने वो सोचा प्लान तो है बट इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो हमें एक शख्स की याद आई, डाक साहब की याद आई, सबा बॉस। फिर जो है हमने सबा को आज फोन किया और सबा ने बोला कि क्या, लेकिन तुम ये सोचो कि हॉस्पिटल से आने के बाद भी उन्होंने टाइम निकाल के सब कुछ, शी इज माय ट्रू फ्रेंड, ये दोस्ती हम नहीं नहीं तोड़ेंगे। बहुत 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 शुक्रिया तहे दिल से,
जल गई है। जा। जा। या उसको बोलता हूँ ना, होल्ड होल्ड। बच्ची इधर से, हाँ प्रूफ होना चाहिए ना। फैजान एंड वी हैव ऑर्डर पनीर पटाखा पिज्जा। थैंक यू सो मच मोहित आप लोग के सरप्राइज के लिए। सो मोस्ट वेलकम फैजान। तुम बोल दे देखो हाथ मिला रहे हैं पर। सो फाइनली हो गया है केक कट किया, केक भी सर्व अभी बोन फायर पे स्टार्ट हुआ है अभी अभी, और मे भी हम लोग के जाते जाते थोड़ा सा वो ब्लूनम होगा। मोहित सब आर्टिफिशियल है नहीं? हाँ, डेकोरेट करने की फोम है, इट्स फोम। नाइस। माय गोल फॉर द नेक्स्ट ईयर इज टू फॉल बैक इन लव विद माय सेल्फ एंड द वर्ल्ड एंड लाइफ अगेन। नाइस। यू वांट दिस मोहित? नो आई डोंट वांट। सी मशरूम्स। और ये चल रहा है फोटो सेशन। फैजान नंबरदार की फोटोज। और ये फोटो सेशन चलते हुए मैं फैजान हुआ, मैं बेचारा फोटो खींचते हुए बेचारा। और ये सुम्बुल रियाज एंड सबा झूला झूलते हुए। ध्यान रखे झूला ना टूट जाए, खाली नहीं टूटेगा वरना पेनल्टी लिया जाएगा। रिंगा रिंगा रोज इस पॉकेट फुल ऑफ रोजेस। ये 500-600 फोटोज के बाद ये सब अभी अपने को संभालते हुए। सो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल और मेरी पोस्टिंग है पीडिया में, और अभी मैं जा रही हूँ अटेंडेंस लगाने के लिए। से मिलते हैं आपसे बाद में। आज अपोलो मेडिक्स की एबीसी ऑफ सीबीसी पे हम लोग यहाँ पे सेमिनार है, तो मैं और शालिनी वहीं जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। ओपीडी ऑफ हो चुकी है। आज जहाँ पे जब अपोलो मेडिक्स वाले जो आए थे तो वहाँ पे हम लोग को ये स्नैक्स में मिला था वेज थाली। मैंने देखा है खोल के, पहले मैं देख चुके हूँ। अच्छा पराठा, आलू की सूखी सब्जी, अरे मैदा का दाल में, ये दाल मखनी। और बस आ गए हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए, जाएंगे एक्सरसाइज करेंगे और वहीं भी मिलते हैं आपसे। सो बने रहिए साथ में। और आगे की वीडियोस हमने दूसरे दिन शूट किया था जब हमने सुम्बुल को बर्थडे सरप्राइज दिया था। सो बने रहिए। देख लेना अगर तुम्हें मिल जाए ऑफिस से। 26 को है ना?
आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू प्ले. क्यों? 26 क्या है, खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज द सेकेंड सरप्राइज फॉर यू. कैसा लगा? बहुत दिनों के बाद आपने रोज दिया तो समझ में हंसी आ रही है, समझ में नहीं आ रही कैसे रिएक्ट, शर्म आ रही है मुझे. अच्छा है लेकिन. ये तो शर्म आ गई. और ये बिकॉज तुम जिम करती हो इसीलिए आफ्टर जिम शुगर फ्री फुल ऑफ आलमंड्स. तुम हमारे फैमिली की स्टार हो, तुम हॉस्पिटल व्लॉगिंग घर सब कुछ करती हो, तो स्टार के लिए 5 स्टार. हैप्पी, डोंट क्राई. ओल्लो ओल्लो. अरे हुई क्या बस. थैंक यू सो मच. हैप्पी? यस. ये प्लान मेरा और फैजान का था, कैमरा मेरा नहीं है, सो इसलिए अप्रिशिएट करो फैजान को, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे. थैंक यू फैजान, थैंक यू सो मच. इमोशनल हो गई थी. बस मुझे यही कहना है मोहित, आपसे भी और बाकी जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनसे भी, कि जरूरी नहीं है कि हम किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में जाएं या बाहर पार्टी करें, महंगा केक काटें, तो ही हमारा बर्थडे या कोई भी फंक्शन अच्छा हो. हम नॉर्मल नॉर्मली बाकी हाउस वाइफ्स की भी बात कर रही हूँ, इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग इन माई हाउस एज अ हाउस वाइफ. सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप एक रोज भी ला के दे दोगे, एक छोटी सी चॉकलेट भी ला के दे दोगे, तो आपकी वाइफ को बहुत बहुत स्पेशल फील होगा, या आपके जो भी स्पेशल वन है उनको बहुत स्पेशल फील होगा. जरूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाके अच्छा सेलिब्रेशन करो. छोटे छोटे गिफ्ट से जितनी खुशी मिलती है, शायद उतना कोई बड़ा तोहफा लाने पर उतनी खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर स्पेशली वो सरप्राइज हो तो. हाँ, ऑब्वियसली. और मैं इसलिए इमोशनल हो गई थी क्योंकि मोहित ना, जब हम लोग की नई नई शादी हुई थी तो मतलब मोस्टली बहुत चॉकलेट्स और ये रोजेस कॉमन, लेकिन बस ये है कि बहुत टाइम के बाद दिया, सो आई गॉट लिटिल इमोशनल. थैंक यू मोहित सो मच, आई लव यू सो मच. मेरे को एक चीज और बोलनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर. I'm very अगर तुम खुश हो तो ये वसूल. As compared to believe me मोहित, कल से ज्यादा स्पेशल मेरे लिए. भाई इतना बदतमीज है, मैं बता रही हूँ, ये इतना बदतमीज है कि मैं इससे पूछती हूँ कि भाई क्या बात कर रहा है, भाई क्या बात कर रहा है, इतनी रूडली बात करेगा क्या है. हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, तुमसे हम तुमको सब कुछ ताकि सरप्राइज ना ब्रेक हो ना, तो अच्छा ही है. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट, फॉर योर सपोर्ट. तुम सपोर्ट कर रहे हो भाई को. आज आखिरी दिन है अप्पी के पी बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो देखने के लिए बने रहिए. जैसे कि आप लोगों ने देखा day 3 day 2, आज है day 1 और कल day 0, मतलब यानी कि सुम्बुल का बर्थडे, आप लोगों के डॉक्टर सुम्बुल का बर्थडे है. तो आज अम्मी आ रही है, हम लोग अम्मी को लेने जा रहे हैं, मैं और भाई, मेरा डागा जा रहा है मेरे साथ में. और सुम्बुल को एकदम पता नहीं है कि वो आ रही है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी. सुम्बुल ने हम लोग से बोला तो हम लोग ने बोला हमने भी बात की बट वो नहीं आ पाएंगी, बट ये एक सरप्राइज है सुम्बुल के लिए. सो चलते हैं अम्मी को लेने, अप्पी से मिलाते हुए अम्मी की सीधा रिएक्शन वीडियो आपको दिखाएंगे डे वन में दिखाएंगे. हाँ, डे वन में, ऑफकोर्स डे वन में दिखाएंगे. और दूसरी चीज, अप्पी अभी हल्की सी सैड है, देखते हैं वो खुशी कैसी होती है माँ से मिलने के बाद. सो बेसिकली एज अ डॉक्टर सुम्बुल, स्टे ट्यून्ड. सरप्राइज देने के लिए अरेंजमेंट करते हैं और पूरा सपोर्ट फ्रॉम आवर फ्लेक्स जिम फिटनेस टीम, सर मैम एंड ये हमारे गौरव सर. सुम्बुल का वेट करते हुए और ये फुटबॉल के दिन ये येलो वाली मेरी जर्सी. सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Sumbul. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May you be strong. He's my kind of song that gave. और फुल सपोर्ट सर और मैम ने किया पॉसिबल करने के लिए ये सरप्राइज.
Like, share and subscribe. Thanks for watching and Alhamdulillah for everything.